अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खलील रहमान कंवर साहब को अगवा कर लिया गया है। जैसे कि खलील रहमान कंवर साहब को आप सब लोग तकरीबन जानते ही होंगे, बड़े नामी ग्रामीण शख्स हैं। औरत आज़ादी मार्च में जब ये कुछ खवातीन उठी थी, तो जो कि बाल मुल्क एक एजेंडा है उसके तौर पर उठी हैं, तो इन्होंने काफ़ी आवाज़ बुलंद की है। प्रोफेसर हैं खलील रहमान कंवर साहब, कोई ड्रामा निगार वगैरह भी हैं, तो ड्रामे वगैरह इस स्टोरियाँ वगैरह ये चीज़ें भी लिखते हैं। तो आमना उरूज नामी एक लड़की ने उन्हें दावत दी, यानी कि उनको प्रोग्राम के लिए बुलाया कि स्टोरी लिखनी है या कोई ड्रामे पर कोई बात लिखनी है। उसके जरिए बुलाकर उनका ट्राइव किया गया। तो वहाँ पर जाकर इनके काफ़ी गैंग था काफ़ी बड़ा, जिन्होंने खलील रहमान कंवर साहब पर काफ़ी तशद्दुद किया और उनके ATM से 2,87,000 तकरीबन पैसे निकलवा लिए। जो गैंग था उनके पास काफ़ी भारी असला भी था इनके पास, जो पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई डालते हुए खलील रहमान कंवर साहब को उनसे आज़ाद करवा लिया, बचा लिया। और जो आमना रूज नामी लड़की है, वो है कोई इशमाइल नाम की एक है और एक दो और इस लगी हैं। ये गर्ल्स के जरिए ट्राइप करके उनको अगवा करके फिर तवान के तौर पर पैसे मांगते। खलील रहमान कंवर साहब से 2,87,000 लेने के बाद 1 करोड़ का मुतालबा किया गया था। तो खलील रहमान कंवर साहब के साथ पुलिस ने भरपूर तावन किया और उस गैंग को पकड़ा। गैंग में और भी मतलब उन्होंने वारदातें डाली हुई हैं, वो भी उनका भी इन लोगों ने इंकशाफ किया है। और एक और चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, OCUMT जो गोलियों के जरिए लिखा गया, इसका क्या मतलब है? तो अल्लाह पाक हम सब कामयाब नासिर हो। वस्सलाम।